मैं सोच रहा था कि हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं, मैंने कहा हिंदी में बोलने का। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लाइट है। एनीवे तो हम ज्यादा फॉर्मल नहीं होंगे, हम ज्यादा इन से एक बाप होते हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा जो 2 साल का होता है। एक बड़ा बेटा जो 15-20 साल का है और एक छोटा बच्चा जो 2-3 साल का है। आप बताइए बाप को सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ में है, 2-3 साल वाले में या 20 साल वाले में? 2-3 साल वाले में। दोनों बेटे हैं, लेकिन जो 20 साल वाला है उसके साथ में फॉर्मालिटी है, जो 2 साल वाला है उसमें कोई फॉर्मालिटी नहीं है। जहां फॉर्मालिटी होती है वहां पर एक बैरिकेड आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है, लेकिन जहां फॉर्मालिटी नहीं होती है वहां प्रेम बना रहता है। तो मैं ज्यादा फॉर्मल ना होकर के इनफॉर्मल रूप से आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक एक्सरसाइज कराना। जिसके पास हाथ है सब लोग बार हाथ उठाओ, नहीं है कोई बात नहीं, ऑल राइट। अब जिसके पास जीवा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। कितना शांति है, कितना शांति था ये भगवान का नाम लेकर के। तो भगवान के नाम में बड़ी शांति है। चलिए आज का जो ये प्रोग्राम है इस्कान कानपुर के तरफ से सर्वप्रथम हमारे मध्य पधारे हुए हमारे चीफ गेस्ट श्रीमान सजन जिंदल जी को, जो कि JSW के चेयरमैन हैं और MD हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जब सर्वप्रथम ये प्रोग्राम से पहले मैं सजन जी से मिला और उनसे बतलाया इस प्रोग्राम के विषय में, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा प्रवचन बात किए, हरि कथा किए, और जब मैं कहा तो उन्होंने कहा कि जरूर मैं आऊंगा प्रभु जी। तो उन्होंने कहा कि जो मंदिर बना हुआ है क्या मैं मंदिर का दर्शन करूंगा? तो मैंने कहा कि मंदिर के प्रांगण में ही ये प्रोग्राम है। एक बार और बताऊं कि जब तक से मंदिर रहेगा यहां पर तब तक से सज्जन जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि इस मंदिर में जितना स्टील लगा हुआ है वह स्टील जो है सजन जिंदल जी के द्वारा प्राप्त है, यानी JSW का स्टील है। तो जितना दिन मंदिर रहेगा सजन जी साथ में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं और आते रहेंगे। दूसरा बात, उनको आज चाइना जाना है, लेकिन फिर भी सब कुछ एक साइड कर करके आप लोगों के प्यार के लिए वे यहां पर आए हुए हैं। तो सजन जी को तहे दिल से मेरा स्वागत, वेलकम। उसके बाद मैं अपने मित्र रोनित राय जी को, मैं स्वागत करूंगा। मैं इनको टेलीविजन सीरियल का अमिताभ बच्चन कहता हूं, नया नाम दिया हूं इनको। देखो रोनित भाई, सब लोग ताली बजा रहे हैं, सब लोग को याद है। एक दिन रोनित भाई से हमारी बहुत पुरानी मित्रता है, हर एक साल जन्माष्टमी के सुअवसर पर
इनकी धर्मपत्नी नीला मौर्य आते हैं और जब भी मैं मंदिर बुलाता हूं तो आ जाते हैं। कुछ समय पहले आए थे और मैं इस प्रोग्राम के विषय में कहा तो उन्होंने कहा जरूर प्रभु जी मैं जरूर चलूंगा, और आज हम लोगों के बीच में रौनक जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी, अपने बिजी स्केड्यूल के बाद भी वे यहां पर आए। तदुपरांत हमारे परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के एक पिलर हैं, महाराज 60s में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को ज्वाइन किए। एजुकेशन से ये MBA हैं, मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी को ज्वाइन किए। 1974 में प्रभुपाद जी पूरे भारतवर्ष का इनको GBC बनाए। गोपाल कृष्ण महाराज इस्कान के गुरु हैं, GBC हैं, BBT ट्रस्टी हैं और हमारे शिक्षा गुरु हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज हमारे यहाँ के GBC हैं, तो महाराज आपको भी आपके अपने घर में ही आपका बहुत बहुत स्वागत। हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु, सब लोग इनको जानते हैं, मैं थोड़ा कम जानता हूं, ऐसा बात नहीं है। एनीवे, गौर गोपाल प्रभु वेल नोन फिगर हैं इस्कान में, इस्कान के बाहर। प्रभुपाद जी विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न प्रकार का आशीर्वाद दिए। एक मैं छोटा कहानी बताता हूं। एक बार हमारे एक भक्त हैं, उनका नाम है हंस दूतदास, वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे, हार्वर्ड में। और लेक्चर के बाद प्रोफेसर लोग, बच्चे लोग, सब लोग आकर के और उनको घेर लिए और बहुत प्रश्न किए। आने के बाद वे लगे रोने प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा प्रभुपाद मैं तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया लेकिन आज मैं हार्वर्ड में प्रवचन कर सकता हूं, ये सब आपकी ही कृपा है। जो व्यक्ति हाई स्कूल भी पास नहीं किया था वह हार्वर्ड में प्रवचन कर करके आ गया। तो मुकम करोति वाचालम पंगु लंगते ग्रीम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, कुछ भी असंभव नहीं यदि भगवान चाहें। तो गौर गोपाल प्रभु पर भगवान कृष्ण की और प्रभुपाद जी की कृपा है, जो कि लोगों के दिल में कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। साथ साथ हमारे बीच में हमारे स्नेही प्रिय राजीव शुक्ला जी, 2003 की बात है, मेरी पहली मुलाकात राजीव शुक्ला जी से हुई थी वृंदावन में, जब मैं वहां का अध्यक्ष था। तो हमारे एक मित्र बालकृष्ण गोयंका, बीके गोयंका, इनको लेकर के आए और तब से हम लोगों का बड़ा मधुर संबंध है इस्कान के साथ में। मैं कुछ समय पहले इनसे कहा था कि देखिए जी एक क्रिकेटर को लाइए, आप भी कानपुर वाले हैं। तो कहते हैं प्रभु जी वो लोग बड़े व्यस्त रहते हैं लेकिन मैं जरूर आऊंगा, और अपने वचन को उन्होंने रखा यहां पर आकर के। थैंक यू राजीव शुक्ला जी। यह जो प्रोग्राम है यूथ प्रोग्राम, एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत यह प्रोग्राम है। CSR गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत एजुकेशन एक एरिया है। जब भी हम बात करते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए उत्तरदायित्व, समाज मतलब समाज में रहने वाले लोगों के लिए, उनके प्रति कुछ करना। कई एक प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है इमोशनल, और तीसरा है स्पिरिचुअल। रोटी कपड़ा मकान से शरीर के आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन हमारे पास इमोशनल नीड है, मन के लिए भी कुछ चाहिए,
और आध्यात्मिक नीड है, क्योंकि हम लोग यह शरीर नहीं है, यह शरीर हमारा है। हम कहते हैं मेरा देह, मेरा हाथ, मेरा शरीर। यदि मेरा शरीर है तो मैं कौन हूं? भगवत गीता कहती है कि हम यह देह नहीं है, हम आत्मा हैं। तो आत्मज्ञान को देने के लिए अंतराशेष कृष्ण भावना संग करबद्ध है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के सबका उद्धार किए, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में जुओं के लिए, यूथ के लिए ये तीनों चीजें प्राप्त होती है, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। और समाज की जो शक्ति है उसके ये तीन पिलर हैं। यदि हम सोशल नीड या फिजिकल नीड प्रदान करें, इमोशनल नीड और स्पिरिचुअल नीड, तो यूथ प्रोग्राम के डी एडिक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं आप सब लोगों का जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करता हूं, उनसे भी ज्यादा मैं तहे दिल से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं जो इतने ज्यादा मात्रा में यहां पर आए हुए हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का यहां पर आने के लिए। स्वागत तीन प्रकार से होती है, एक वाणी के द्वारा, एक आसन दे करके और एक पानी पिला करके या भोजन दे करके। तो आप लोगों को आसन दे दिया गया बैठने के लिए, वाणी के द्वारा मैं स्वागत करूंगा और अंत में सबके लिए भोजन या प्रसाद की व्यवस्था है। सज्जन जी से मेरी बात हो रही थी आने के विषय में, तो मैंने कहा कि हम लोग घर वाले हैं स्वागत करने के लिए, और दूल्हा जो है बारात का वो है हमारे बच्चे लोग जो आ रहे हैं। तो घर वाले नहीं रहेंगे, केवल दूल्हा रहेंगे, कैसे काम चलेगा? तो आप लोग बड़े स्पेशल हो और आप लोगों का हम तहे दिल से इस कानपुर की तरफ स्वागत करते हैं। आप इस प्रोग्राम में आए हैं, हमेशा आते रहें, यह मंदिर आपका है, यह जन मंदिर है, आप आइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।